লকডাউনের পর প্রথম বেলুড় মঠে এসে কি বললেন রাজ্যপাল দেখুন ভিডিও। দীর্ঘ লকডাউনের পর অর্থাৎ আড়াই মাস পরে বেলুড় মঠে দ্বার খুলে দেওয়া হলো সর্বসাধারণের জন্য। রাজ্যপাল এখানে কিন্তু বেলুড় মঠে ভিজিট করতে এসেছেন এবং উনি চারটের সময়, ঠিক চারটের সময় 3:55 সময় উনি কিন্তু বেলুড় মঠে প্রবেশ করেছেন। এখন উনি বেলুড় মঠে বিভিন্ন মন্দিরে প্রবেশ করে উনি কিন্তু সব জায়গাটা ঘুরে দেখছেন কি পদ্ধতিতে চলছে, ভক্তগণের কীভাবে প্রবেশ করানো হচ্ছে সেই জিনিসটা কিন্তু উনি দেখছেন। সেবা ভাব কি अनुभूति लेकर जा रहा हूँ। अब राज्य की जनता की सेवा करने में ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ यही प्रार्थना की है राज्य पर से संकट कम हो, लोगों के संकट दूर हो, इस महामारी से हम उभरे, अम्फान की चोट कम हो और जिनको मदद पहुंचनी है वो पहुंचे। मैंने देश में और दुनिया में उन सब लोगों को हाथ जोड़कर अनुरोध किया है, पश्चिम बंगाल को आपकी मदद की आवश्यकता है। मैं प्रथम सेवक हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ इस संकट की घड़ी में आप पश्चिम बंगाल की सेवा कीजिए। लेट इंडिया राइज फॉर बंगाल, और वो समय दूर नहीं है जब बंगाल विल राइज फॉर इंडिया। ऐसी हालत में ये कह सकता हूँ मैं, पश्चिम बंगाल की पावन भूमि, यहाँ के लोगों का समृद्ध है, यहाँ की संस्कृति हमारे लिए एक स्थान निश्चित करती है और वो स्थान पहले था, दैट इज एट टॉप ऑफ द इंडियन नेशन एंड वी विल बी देयर। यही मैंने कामना की है, यही मेरा उद्देश्य है। मैं ऐसे मौके पर कोई प्रश्न नहीं लूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा। भारत की सेना ने बहुत जबरदस्त कार्य किया, हमारे यहाँ के सपूत भी शहीद हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। भारत की फौज में जो लोग कार्यरत हैं वो सर्व लुटाने को तैयार हैं, किसके लिए? भारत की इंटीग्रिटी के लिए, भारत की सॉवरेंटी के लिए, ताकि हम सुख और चैन से रह पाए। अब हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, दुनिया का सोच बदला है, हिंदुस्तान बदला है। और मैं मानकर चलता हूँ हमारी सेना ने जो कुछ किया है, पूरे तथ्य आप लोगों के सामने होंगे, बहुत जबरदस्त काम किया। जीरो टेम्परेचर पर उस कठिन परिस्थिति में, सामान्य रूप से हम दूसरी जगह के रहने वाले हैं उस टेम्परेचर में नहीं रहते ज्यादा, कितना काम किया। मैं नमन करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, उनके परिजनों को मैं मेरी कंडोलेंस देता हूँ। और अपने यहाँ से जो लोग हैं, दो के नाम मुझे मिले हैं, मैं उनके घर जाकर उनसे चर्चा करूँ। ऐसा मैंने पुलवामा के शहीदों के लिए किया। हमारे यहाँ से पुलवामा में दो शहीद हुए थे, एक के घर पर जाकर मैंने 5 लाख का चेक उनकी धर्मपत्नी को दिया, दूसरे को देने का था उनके घर जाकर 5 लाख का चेक, वो मैं कोविड की वजह से नहीं दे पाया, तो मैंने वो रकम वहां भिजवाई। और मैंने वादा किया है कि उनकी माताजी से हालात ठीक होते ही मैं उनके घर में मिलकर आऊंगा, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पहले शहीद के घर में जाकर उनकी धर्मपत्नी और बच्चों से मिला। यदि अगर हम हमारे सैनिकों के परिवारों के शहीदों के पीछे नहीं खड़े रहेंगे तो हम हमारे संस्कृति का अनादर करेंगे। हमारे सबका कर्तव्य है कि हम उनको उतना सम्मान दें ताकि थोड़ा बहुत उनका दुख कम हो पाए। এতক্ষণ থাকার পর এবার রাজ্যপাল প্রথমে কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ভিজিট করেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ভিজিট করার পর তারপর আমরা দেখতেই পাচ্ছেন এই রাজ্যপাল কিন্তু এখন বেরিয়ে আসছেন গেট দিয়ে, কিন্তু ভেতরে দেখে নিয়েছেন এবার কিন্তু বেরিয়ে আসছেন। আমরা সরাসরি বেলুড় মঠের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আর আমরা বেলুড় মঠে রাজ্যপালের গাড়ির সামনে আসছি। প্লিজ ডু নট ডিটার
একটু ঢুকে যাও ঢুকে যাও।